नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत टाइम्स। मैं हूं अभिनेंद्र और बात करते हैं आज की खास खबर का। खबर गाजीपुर से है, जहां जिला कारागार में एक संवेदनशील घटना घटी है। बताया जा रहा है कि जिला कारागार में बंद कैदी जमनिया निवासी विनोद राय की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विनोद राय की तबीयत जेल में बिगड़ी, उनको इलाज के लिए गाजीपुर अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जेलर ने उन्हें समय पर सूचना नहीं दी, समय पर उनका इलाज नहीं कराया, जिससे विनोद राय की मौत हो गई। जो भी जेल में जो है बिना सूचना दिए जो है मार दिया गया है, और इसके बाद जो है बाद में हम लोग को बताया गया, टाइम बहुत देर बाद बताया गया, जो कि जेल में एक्सपायर किए थे, बाद में हम लोग को झूठा घटना बताया गया था। एक्सपायर हो गए हैं एक्चुअली, जो जेलर है उनकी लापरवाही से इनकी जान गई है। उन्होंने 24 घंटे पहले बताया कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी फैमिली किसी को बुला लिया जाए, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं। तो क्या लगता है किस कारणों से मर्डर है ये, और क्या किनको दोषी मानती हैं? जेलर को दोषी मानते हैं। आपने अभी डीएम से मिला, और क्या मांग है आपका और क्या अपील किया डीएम से? डीएम पर कार्रवाई हो, और क्या जेलर पे कार्रवाई हो, उनको दरखास्त, उनको हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। जानकारी इसकी मिली 844 पे, वो एक्सपायर हो चुके हैं, जो कि वो 4:30 बजे एक्सपायर हो चुके थे ऑलरेडी, 3-4 घंटे का वेरिएशन बाद वो बताया गया। वो जेल में एक्सपायर हो चुके हैं, और हॉस्पिटल में इनको लाया गया लेट 7:50 पर लाया गया, वो बता रहे हैं कि 8:30 बजे एक्सपायर हो चुके हैं। वो घटना यही है कि मतलब कि वो एक्सपायर 4 बजे के कर चुके हैं, और इन्होंने सूचना 8:44 पे रात में दिया है, तो इसको तो हम लोग यही मानेंगे कि सीधा सीधा ये मर्डर है। और ये जेलर साहब की एकदम तानाशाही है, इस तरह से किसी प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के अंडर में अगर किसी की अगर मौत होती है, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है सर। तो इसका निष्पक्ष जांच हो। 3-4 लड़की हैं, उनकी शादी विवाह और अन्य खर्च की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, और तमाम समस्याएं हैं। मैं यही निवेदन कर रहा हूं शासन प्रशासन से, सारे लोगों से, कि परिवार की सहायता करें, मदद करें, और इस विनोद राय के मर्डर में जो हुआ है इसका निष्पक्ष। समाज को सच्चाई दिखाना हमारा कर्तव्य है, आप भी समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस और सच्ची खबरें देखने के लिए हमें सहयोग कर सकते हैं। आप किसी भी पेमेंट वेबसाइट या ऐप से UPI विकल्प के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कोई भी राशि चुनें और हमें सहयोग करें। हमारा UPI एड्रेस है abtnews@upi.com।